हार्दिक पांड्या, हमारी 33 नंबर जर्सी, एक ऐसी जर्सी जिसे देखने के बाद अंबानी जी ने अपने बेटे को बोला होगा, तुझे खेलने के लिए खिलौना चाहिए था तो वैसे ले लेता, कम से कम बेइज्जती तो ना होती मुंबई इंडियंस की। भैया इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 115 करोड़ रुपए में हार्दिक नामक खिलौना खरीदा, जिसकी ना तो पब्लिक में कोई इज्जत है, ना वैसे कोई उसको पूछता, ना वो परफॉर्म कर पाता है, हरकतें उससे जितनी मर्जी करवा लो। हरकतों के नाम पे हार्दिक पांड्या की फेरिस्त के अंदर क्या क्या शामिल है मैं तुम्हें बताता हूँ। डिसरिस्पेक्टिंग द सीनियर्स, डिसरिस्पेक्टिंग योर सीनियर कैप्टन एज वेल, और डिसरिस्पेक्टिंग एवरीबडी, चाहे वो ऑडियंस ही क्यों ना हो। लेकिन उसके बाद ले दे के उसके पास क्या बचता है, जाके टॉक शो के अंदर सेक्स से रिलेटेड गंदे बयान दो ताकि हमारा इंडियन कल्चर और दूषित हो सके। तो भैया ये एक सीधी सी फैक्ट है कि हार्दिक पांड्या भाई साहब बड़े क्लियर से पॉइंट के साथ आते हैं कि भाड़ में गई दुनिया, मैं तो अपनी फुद्दू और छपरी हरकतें जारी रखूंगा। ये एक एक्चुअल फैक्ट है और ये बात मैंने नहीं बोली, तुम वायरल बॉलीवुड की एक वीडियो जाके देखना, उसमें ऑडियंस ने बड़ा क्लियरली बताया कि उनके क्या विचार हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। और हाँ, कल के मैच के बाद तो स्पेसिफिकली मुंबई इंडियंस के होम क्राउड ने बोला है, और पहली बार हार्दिक पांड्या ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया जो कि इयन मॉर्गन ने भी नोटिस किया। उन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया होगा कि पहली बार किसी होम टीम ने, होम ऑडियंस ने होम टीम के कैप्टन को बू किया हो या बेइज्जती की हो। क्या कहा जा रहा है हार्दिक के बारे में, अरे भाई क्या बोले, हार्दिक पांड्या है क्या है वो, मैं तुम्हें क्लिप लगा दूंगा, मेरे से बोला ना, चलो छोड़ो। लेकिन एक एक्चुअल फैक्ट बताओ मुझे कि तुम्हारे हिसाब से क्या हार्दिक पांड्या के साथ सही हो रहा है। लेकिन देखो, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये तो कहानी है ही, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ मुझे नहीं लगता कि किसी भी लेवल पे इतना गलत हो रहा है कि उनकी हरकतें जस्टिफाई हो जाएं। भाई हरकतें तो उनकी गड़बड़ हैं, शुरू से हैं, ये हम सब मानते हैं, लेकिन आज की डेट में ही इज जस्ट गेटिंग व्हाट ही हैज एक्चुअली मतलब डिजर्व्ड, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं क्लियरली बोलूं, गुजरात टाइटंस को इतनी अच्छी पोजीशन में रखा था, वहां पे बड़े तरीके से रहते, ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी यंग प्लेयर को कैप्टेंसी ना दी जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन ना बनाया जाए, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की कैप्टनशिप ना दी जाए। कोई भी ऑडियंस में ऐसा नहीं चाहता, ना ही मैं चाहता हूँ, ना ही कोई और चाहता है, सब यही चाहते थे कि अगर हो तो ये रिस्पेक्टफुली हो। प्रॉब्लम सबको इस बात से नहीं है कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना लिया, वो मैनेजमेंट डिसीजन है, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन टीम एंड हार्दिक के पैसे खाने के ऊपर है, वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन एक एक्चुअल पॉइंट ये भी है कि हार्दिक पांड्या के साथ सारी चीजें कैसे जुड़ के सामने आती हैं कि लोग हेट करने लग गए। पहले तो गुजरात टाइटंस का हेट करना बनता था कि उनकी टीम छोड़ी, चलो उन्होंने बुक किया, समझ में आता है हार्दिक पांड्या को, हम जेन्युइन बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे उस चीज के ऊपर कि ऑडियंस ने कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आई जब डिसरिस्पेक्ट करने की बारी आई। भाई आईपीएल 2024 में रोहित शर्मा जैसा प्लेयर 30-yard circle के बाहर फील्डिंग कर रहा है, एंड रिस्पेक्टफुली बाहर नहीं भेजा गया, जो हरकतें करके, जिस तरीके के इशारे कर करके भेजा गया, वो चीज है। ऋतुराज गायकवाड़ को भी कैप्टेंसी दी गई है, धोनी ने कैप्टेंसी खुद दी है, लेकिन वहां पे लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं है। हालांकि अगर आप देखोगे स्टार्डम के मामले में, धोनी का स्टार्डम आज की डेट में भी रोहित शर्मा से कई ऊपर है, ये एक एक्चुअल फैक्ट है कि नहीं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ही इज एक्चुअली गिविंग रिस्पेक्ट टू महेंद्र सिंह धोनी एंड हिज सीनियर्स। तो यहाँ पे बात सिर्फ आपके लहजे तहजीब की है और कोई बात नहीं है। ऑडियंस को पर्सनली हार्दिक पांड्या से कोई ना तो लेना देना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, पर्सनली तो मुंबई इंडियंस से भी किसी को लेना देना नहीं है। सब मुंबई इंडियंस को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो पर्सनल तो किसी का भी नहीं होता भाई। लेकिन एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि जब आप अपने सीनियर को इज्जत नहीं दे पा रहे और उस बंदे को इज्जत नहीं दे पा रहे जिसके अंडर तुम्हें को खिलाया गया है, जिस बंदे ने तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत हर जगह पे दी है, प्यार दिया भाई, मतलब क्या ही बोल दोगे ऐसे थैंकलेस बंदे के साथ जो हो रहा है, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। हालांकि अब इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि हमें हार्दिक को कुछ बोलना चाहिए, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली रोहित विल फील बैड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम थोड़े टॉक्सिक होके रोहित के नाम पे किसी और प्लेयर को कुछ गलत बोल रहे हैं। एंड आई थिंक जितना मैं जानता हूँ रोहित भाई के केस में, मैं हार्दिक को और ट्रोल नहीं कर सकता, मैं नहीं बोलना चाहता, ठीक है। हमें रोहित शर्मा को सपोर्ट करना है वो हम करेंगे, मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना है वो हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे चैनल पे आपको प्रेडिक्शन जरूर मिलेंगी, इस बार की प्रेडिक्शन बहुत जबरदस्त आ रही हैं और ऑलमोस्ट सारी सही थी, तो तुम जाके मिस मत करो। शॉर्ट्स में भी प्रेडिक्शन आती हैं और रील्स में भी आती हैं, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इंस्टा को कर लो फॉलो, एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।